तो मैं आज आपको ये बताने वाला कि एक्चुअल में जो फ्यूल पंप होता है, जो कि पेट्रोल कार में होता है, वो कैसे काम करते हैं मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ से शुरू करते हैं कि कैसे इसमें ऊपर क्या क्या रहता है। तो ऊपर पहले तो ये जो तीन पाइपलाइंस है उसमें से एक है जो यहाँ से मोटर का जो फ्यूल होता है वो इंजन में सर्कुलेट होता है। यहाँ से ये पाइप फ्यूल आगे भेजती है। ये पाइप होती है जो कि फ्यूल इंजन में से जो है वो रिटर्न आता है, वो ये रिटर्न पाइप है। और ये जो पाइप है ये एयर निकालने के लिए पाइप है, जो कि हम जब फ्यूल टैंक में फ्यूल भर रहे हैं तब तब जो जो एयर वहाँ से एक एग्जिट होनी चाहिए वो इस नॉब से एग्जिट होती है। उसके अलावा ये जो कपलर है, ये 4 पिन का कपलर, लगभग सभी कार में यही कपलर होता है, 4 पिन का कपलर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके कपलर किस किस चीज़ के। तो इसमें से ये जो फर्स्ट वायर है ये तो ये पॉजिटिव की है, बैटरी पॉजिटिव की, डायरेक्टली जो पंप को करंट मिलता है उसकी ये पॉजिटिव की है। और ये जो है इस साइड की, मतलब इसके अपोजिट साइड की एग्जैक्टली, तो ये निगेटिव की है। ये दो पॉजिटिव और ये दो निगेटिव। उसके बाद ये जो बीच के वायर है, जो कि आपको दिखेंगे कि जो ज़रा पतले वायर है, मतलब ये सप्लाई के जैसे जड़ने से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि सिग्नल के वायर कौन सी और पॉजिटिव निगेटिव। तो ये जो बीच में के दो वायर है ये सिग्नल के, एक सप्लाई पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें जो आपको सिग्नल मिलता है, जो कि ये फ्लोट जो है, जो फ्लोट टैंक फ्लोट जो होता है वो टैंक में पेट्रोल के हिसाब से ऊपर नीचे करता है। और जो जब ये इस सपोज इस पोजीशन पे, तो इधर का जो सेंसर है वो इसका सिग्नल इस वायर से इधर भेजता है, आपको डिस्प्ले में दिखता है कि कितना फ्यूल है। तो ये इस फ्लोट का वो काम है, हमको बताना कि एक्चुअल फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है। तो ये उस चीज़ का हो गया। और जो ये है, ये देखिए, ये एक्चुअल फ्यूल पंप की मतलब मोटर है, जो कि अब सेंट्रीफ्यूगल मोटर भी इसको कह सकते हैं। नीचे ये फिल्टर है, जिससे कुछ अगर मिट्टी बिट्टी टैंक में हो तो वो इस पंप में फंस नहीं जाती, इसके लिए फिल्टर है। और ये पंप है जो कि फ्यूल यहाँ से ऊपर भेजती है प्रेशर करके, और इधर से एग्जिट, इधर से फ्यूल बाहर आके इंजन में चला जाता है। और ये रिटर्न पाइप है, ये डायरेक्टली इधर से नीचे टैंक में फ्यूल आ जाता है। तो ये सब है। अभी मैं आपको इसको एक्चुअल में सप्लाई दे के आपको ये फ्यूल पंप रन करके दिखाऊंगा। कट कर। तो सबसे पहले ये फ्यूल पंप वर्क करके देखने के लिए मैंने इसमें एक पानी लिया है, जो कि इसमें से फ्लो होगा। और इसके बाद ये जो पंप है, फ्यूल पंप, मैं इसमें डिप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्लोट कैसे ऊपर नीचे होता है। तो ये ऐसे फ्लोट ऊपर नीचे होने के कारण जो सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो सेंस करके उसका डिटेल्स डिस्प्ले में भेज देता है। उससे हमको पता चल जाता है कि फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है। तो ऐसे काम होता है इस फ्लोट का। उसके बाद अभी मैं आपको इसको सप्लाई देके दिखाता हूँ। तो इसमें ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई है। तो इसके लिए अपने को लगने वाला है 12 वोल्ट का सप्लाई। तो इसके लिए अपने 12 वोल्ट का सप्लाई लगने वाला है। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया है, जो हमारे घर में पुराना पुराना, ये देखिए, ये डायरेक्टली 12 वोल्ट कन्वर्टर है, जो कि अपने रेगुलर जो कि डायरेक्टली हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में लग जाता है, उससे डायरेक्टली ये बैटरी कन्वर्टर जो अपना 350 वोल्ट होता है वो 12 वोल्ट बैटरी में कन्वर्ट करता है। और ये डायरेक्टली मैं वायर इस पंप को लगाऊंगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है 12 वोल्ट का सप्लाई। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसको करंट दे के दिखाता हूँ, इस वायर को आपको दिख जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है एग्जैक्टली। जो गाड़ी में फ्यूल टैंक में वो भी ऐसे ही एग्जैक्टली वर्क करता है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
तो गाड़ियों का जो फ्यूल पंप होता है तो इस प्रकार से काम करता है।